रफीक सादानी जी ने कहा था कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, वे दावे किताबी हैं। मैं खड़ा हूँ अयोध्या के तन धान कुंड वार्ड के एक ऐसी जगह पर जहाँ पर नगर निगम एक सड़क का निर्माण कर रहा है। कहने को तो जो मोदी जी की सरकार और योगी जी की सरकार में राम राज आ गया है, कोई भ्रष्टाचारी नहीं बता है, सारे काम ईमानदारी से हो रहे हैं, सारी चीजें मानकों के अनुसार होती है। लेकिन यदि आप यहाँ पर खड़े हो मेरे सामने और इस सड़क को आप देखें, तो आपको दिखाई पड़ेगा कि मानकों का 1% भी पालन इस सड़क में नहीं किया जा रहा है। अभी मेरी जेई से इस संबंध में वार्ता हुई थी नगर निगम के रंजीत कुमार जी से, उन्होंने कहा कि जो ये इंटरलॉकिंग की जाती है, इसके नीचे बालू बिछाई जाती है, 1:4 का मसाला मिलाया जाता है, उस मसाले में मोरंग का भी एक हिस्सा होता है। लेकिन यहाँ मौके पर देखने पर यह है कि जो सड़क है, बालू छोड़िए, यहाँ पर सीधे सीधे मिट्टी बिछाकर, जो नियमों के सर्वथा विपरीत है, मिट्टी के ऊपर इंटरलॉकिंग की ये ईंटें बिछा दी गई हैं, जो आने वाले कल की बरसात में मिट्टी बह जाने के कारण बैठ जाएंगी। नंबर 2, ये जो सड़क है इसकी चौड़ाई पूर्व की जो सड़क थी उससे कम कर दी गई है। मैं कैमरा घुमाता हूँ उस तरफ, जिस तरफ आपको ये दिखाई पड़ेगा कि सड़क की चौड़ाई कम कर दी गई है। ये देखिए, ये जो पुरानी सड़क है, ये पुरानी सड़क इस हद तक थी। ये देखिए, ये पूरा ये जो ईंटे हैं, ये सड़क, इस सड़क को सिर्फ अपने लाभ के लिए ठेकेदार ने सिकोड़ दिया, या यूं कहें कि कंजेस्टेड कर दिया। नंबर 1। नंबर 2, ये जो पीछे मेरे मिट्टी के ढेर लगे हुए हैं, मैं नजदीक से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये जो मिट्टी के ढेर हैं, ये इन्हीं मिट्टियों को बिछा कर इनके ऊपर सीधे सीधे, ये देखिए, ये मिट्टी दिखाई पड़ रही है, ये देखिए, ये मिट्टी दिखाई पड़ रही है, इन्हीं मिट्टियों के ऊपर इन ईंटों को रखा जा रहा है। ये ईंटा हटाओ जरा, ये ईंटा हटाइए, ये देखिए, ये मिट्टी अभी भी दिखाई पड़ रही है, जबकि यहाँ पर सीधे सीधे नियमों के अनुसार बालू बिछाए जाने चाहिए। साथ ही ये जो ईंटें जोड़ी गई हैं, ये जो ईंटें जोड़ी गई हैं, इनमें 1:4 का मसाला जोड़ा जाना चाहिए, लेकिन ये कल की जोड़ी ईंटें ही आज से भटकना प्रारंभ कर चुकी हैं। ये ईंटों के नीचे पड़ी हुई जो मिट्टी है, ये बताती है कि नगर निगम के जो जेई हैं, एई हैं, या जो भी जिम्मेदार हैं, ये किसी भी स्तर पर इन ठेकों की न तो कहीं मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और न ही इन्होंने इस चीज़ को जानने की आवश्यकता महसूस की है कि इससे आम जनता का नुकसान कितना ज़्यादा होगा। आगे आइए, मैं आपको उन मिट्टी के ढेरों की तरफ ले चलता हूँ, जो मिट्टी के ढेर यहाँ के ठेकेदारों की तरफ से लगाए गए हैं। ये आपकी आँख के सामने स्पष्ट देखें, यह मिट्टी दिखाई पड़ रही है, ये मिट्टी बिछाई गई है, और इसी मिट्टी के ऊपर ये पूरा मिट्टी है, देख लीजिए, ये मिट्टी पानी हल्का सा अंदर जाते ही, जैसे ही मान लीजिए बरसात होती है, किसी भी कारणों से बालू अगर रहती है तो वो बरसात में घुलती नहीं है, ये मिट्टी है, गल जाएगी और पूरी सड़क बैठने के हालात खड़े हो जाएंगे। ये जो बगल में ईंटे हैं, ये 1 दिन पहले की हुई जोड़ी हुई ईंटी हैं, और इनके मैं मसाले आपको दिखाता हूँ हाथों से, ये 1 दिन पहले का, ये 1 दिन पहले का जुड़ा हुआ मसाला है। अब आप खुद ये देखें कि इन मसालों का वजूद क्या है, सिर्फ और सिर्फ बालू। आने वाले में कल में क्या हालात होंगे, या नगर निगम के जो जिम्मेदारान हैं क्या कार्रवाई करेंगे इस पर, यह तो आने वाला समय बताएगा। मैं शीलेंद्र प्रताप सिंह, टुडे 24, अयोध्या।